ऑल राइट, सो यहाँ पर जो हमारा सैमसंग का गैलेक्सी A51 है, इसके लिए सैमसंग ने फाइनली इंडिया के अंदर जो One UI 2.5 का अपडेट है वो रिलीज़ कर दिया है। एंड ये जो अपडेट है ना, वो कल के टाइम आ गया था, कल रात आई गेस, बट मैं बिजी था तो मैं चेक नहीं कर पाया। एंड नाउ मैंने सुबह के टाइम, मेरे पास इतने सारे मैसेज आए हुए थे, आप लोगों ने इतने मैसेज करे हुए, जब मैंने सुबह के टाइम चेक किया तो मुझे पता चला कि भाई इसके अंदर तो One UI 2.5 का अपडेट आ चुका है। एज यू कैन सी हेयर, वाईफाई के अंदर इम्प्रूवमेंट है। एग्जैक्टली यहाँ पर मैंशन तो नहीं है किसी भी, अब जिसमें भी One UI 2.5 आया है उसमें किसी में भी मैंशन नहीं है कि क्या क्या मतलब इम्प्रूवमेंट्स हैं वो बताए गए हैं, बट एग्जैक्टली One UI 2.5 है ये किसी में भी नहीं बताया गया। यहाँ पर आप देखोगे जो भी कुछ इंप्रूवमेंट्स है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर, सैमसंग कीबोर्ड के अंदर, मैसेजेस एप्लीकेशन के अंदर, कैमरा को लेकर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया भाई। कैमरा के अंदर देखते हैं कि सैमसंग के गैलेक्सी A51 के अंदर क्या इंप्रूवमेंट लेकर के आएगा सैमसंग, तो कैमरा को लेकर थोड़ी बहुत मेरी एक्साइटमेंट है। बाकी ये पाँच इंप्रूवमेंट है मेजर One UI 2.5 के अंदर, देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पर जो फाइल अपडेट की वो अराउंड 893 MB के आसपास की है। अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर सिक्योरिटी पैच के साथ में मिलेगा हमें One UI 2.5 का अपडेट, एंड ऐसा ही हुआ तो वो रूमर्स काफ़ी सही थे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है सैमसंग का गलेक्सी A51, इसका यह दूसरा मेजर UI अपडेट है, बिकॉज इसको ऑलरेडी एक One UI 2.1 का जो अपडेट है वो मिल चुका है, एंड ये One UI 2.5 का है। तो जल्दी से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एंड आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि कितना बेटर है और कितना अच्छा हमें देखने को मिलता है। काफ़ी स्लो चल रहा है नेट, कहीं बाहर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा।